आपका पीटी परीक्षा कब था? 2 मार्च सारण फिजिकल अकेडमी से आपने पीटी की परीक्षा सफल की। आप क्या कहना चाहेंगे अकेडमी के बारे में? भाई आप बहुत अच्छे हैं और मनोहर के अच्छे से भी कराते हैं और 2 महीने में हमारा अच्छे से हो गया है। थैंक यू। मेरा नाम लवली सिंह है, मैं गुरही ताजपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 3 महीने से अपना फिजिकल की तैयारी कर रही थी मिंटो बी के ये एकेडमी में। यहाँ पे उन्होंने हमें 3 महीने में बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत अच्छे से हमें प्रोत्साहन भी दिया। यहाँ तक कि हम लोग बहुत डर रहे थे जाने के पहले, रो भी रही थी कुछ लड़कियाँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोत्साहन किया कि हाँ नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है फिजिकल की। हेलो, मैं श्रुति कुमारी शेखपुरा से रहने वाली हूँ और सारा फिजिकल एकेडमी छात्रा में मतलब तैयारी करती थी। बहुत अच्छे हैं और हम लोग से भी ज़्यादा भैया मेहनत कराते हैं, मदद करते हैं और कराते हैं। जलालपुर धोबल की रहने वाली हूँ मैं। मेरा पीटी परीक्षा 2 तारीख को था, रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे था और मैं अपना फिजिकल क्वालिफाई की हूँ। मैं अपना 100 में 100 मार्क्स लेकर वहाँ से अपने माता पिता को और अपने कोच मिंटू सर को देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बोल देते हैं 100 में 100 नंबर लाएगी जी। जब मैं वहाँ गई दौड़ने के लिए तो मैं एंट्री की, तभी मेरे से पूछा गया कि तुम कहाँ से आई हो। मैं बोली छपरा जिला से। तो तुम रनिंग करती थी पहले? मैं बोली हाँ। अच्छा तुम कितना में रनिंग मारती थी वहाँ पे? मैं बोली कि सर मैं वहाँ लास्ट ट्रायल दी थी तब 3:28 में मारी थी, अब यहाँ क्या करूँगी मेरे को ये पता नहीं है। फिर पूछा कि तुम जंप करती थी? मैं बोली हाँ। सर कितना करती थी? मैं बोली मैं अपने ग्राउंड में 4 हमेशा 4-2 या 4-4 तक भी की हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पता नहीं है। तो बोला कि बेटा तुम पक्का कर लोगी। और जब मैं यहाँ रनिंग मारती थी, ट्रायल देती थी, तो मेरे को लगता था कि मैं मतलब रनिंग के बाद थक गई हूँ या कुछ भी ऐसा, लेकिन वहाँ गई तो मैं 15 नंबर लड़की थी। लेकिन मैं वहाँ जब रनिंग की, मैं 3 नंबर स्थान पे वहाँ आई। मैं रनिंग करके, मेरे से 2 लड़की आगे थी, तो वो 2 लड़की 1 नंबर 2 नंबर पे रनिंग की थी, इसीलिए वो 1 नंबर 2 नंबर आई और मैं 15 नंबर थी, तो मैं 3 नंबर आई। तो उसके बाद फिर मैं जंप करने गई तो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मतलब मेरे एकेडमी से मेरे को अलग कर दिया गया, जो मतलब एक्सीलेंट लड़कियों में भेज दिया गया जो 4 के अंदर रनिंग की थी। उसके बाद मैं जब जंप करने गई तो वहाँ क्या 3:08 तक मतलब मैक्सिमम लड़की वहाँ जंप की मेरे ग्रुप में, 5-4 लड़की जो थी 3:08 तक की, लेकिन 4 ऐसी लड़की थी जहाँ जितने लोग थे मैं ही 4 जंप की और मैं एक बार में ही सब जंप की हूँ। मैं 3:08-4 तक एक ही बार में जंप की। तो वहाँ मेरे से फिर पूछा गया कि तुम कहाँ से आई हो? मैं बोली कि मैं छपरा जिला से आई हूँ। अच्छा तुम छपरा जिला का नाम रोशन कर दी बेटा, तुम लड़कों के बराबर काम कर रही हो, बहुत अच्छा लगा। गोला कितना फेंकती हो? मैं वहीं पे बोली कि सर मैं 18 फेंकती हूँ। तो पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं बोली कि जी हाँ। वही आदमी मेरे को फिर गोला फेंक ले गया तो मैं नेट 18 फीट वहाँ गोला फेंकी एक ही बार में। और ऐसा ग्रुप मतलब जितनी लड़की थी 16+2-3 लड़की की, लेकिन एक बार में कोई नहीं की और मैं एक बार में वहाँ भी मतलब वे की। और उसके बाद मैं जब वेट हाइट के लिए गई तो मेरे को पूछा गया वहाँ पे कि तो मतलब देख के उन लोगों को लगा कि शायद इसका वेट नहीं होगा, हाइट में तो कोई दिक्कत। तो बोला कितना है? मैं बोली कि मैं 51 kg की हूँ। तो बोला कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैं वहाँ जब वेट के लिए चढ़ी ना, मैं 52 kg 200 ग्राम हुई। फिजिकल था और मिंटो भी आए मुझे कोच है जो उनके से मतलब सब कुछ मेरा अच्छा हुआ। फिजिकल क्वालिफाई करके यहाँ पे आई हूँ। जो भी है अभी यहाँ पे टोटल मिंटो भाई हो जा रहे हैं। नाम पूजा और मैं 3 महीना से फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ सारा कुछ। अच्छा मेरा नाम रोशन, मेरा घर मतलब मेरा सब और मेरा फिजिकल 2 मार्च को था।
कोच हैं मिंटू सर, ये बहुत अच्छे से मतलब सिखाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं। जो भी मतलब इस पे लड़के उड़के हैं, जो ट्यूटी की चाल पे चलती होगी वो मतलब घोड़ा की तरह पूरा दौड़ने लगी, बहुत अच्छे सिखाते हैं। जिसको विश्वास भी नहीं होगा कि हम पास नहीं कर पाएंगे, वो पास कर लेती है, बहुत अच्छे से मतलब सब फिजिकल की तैयारी कराते हैं। देखिए मेरा नाम मनीषा तिवारी और मैं बिहार पुलिस का तैयारी सारण फिजिकल अकेडमी में करती थी नीतू सर के अंडर में। उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करवाया और बहुत बहुत ही अच्छे से फोकस किया हम लोगों पे, और इन्हीं के अंडर में रहकर आज यहाँ फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। बहुत खुश हूँ और सर से बात रहा कि हम सबका बहुत फिजिकल क्वालिफाई हो गया।